हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करवाएंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 30 पर एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 को आप मार्क कीजिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को मार्क कीजिए। ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, और सभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वर्ड प्रॉब्लम में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमओएस क्लास 7th मैथ्स के वीडियोस जरूर देखें। इन वीडियोस में हमने बहुत इजी मेथड से आपके लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर आप एमओएस क्लास 7th मैथ्स के वीडियोस देखते हैं तो आपके जो डाउट्स होंगे या आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दोनों को भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के भी सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के भी सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम आपको किसी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को रिवाइज करने के लिए कहते हैं, तो वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि एग्जाम्स में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के भी सभी पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस की रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों के भी सभी पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, इलेवेंथ पार्ट और ट्वेल्थ पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट और टेंथ पार्ट को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवेंथ पार्ट को मार्क करिए।
थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।